तकिन धा 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 धा। वाह रे वाह, क्या नजारा है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। हे अंबे माँ, क्या करूं। माँ हूं, दिल पर पत्थर रखकर ये सब करना पड़ा। चटंकी ने क्या हालत कर दी है मेरे बेटे की। धर्म धर्म, धर्म बेटा उठ, धर्म उठ बेटा, धर्म क्या हुआ धर्म। अरे मैं तो बस स्टॉप पे तुम्हारी राह देख रही थी, तुम दवाई लेके नहीं आए इसलिए मैं आ गई। हे भगवान, ये कमरे की क्या हालत हो गई है, ये सब क्या है। तुझे खून आ रहा है बेटा, और मीरा कहाँ है। धर्म मैं तुझसे बात कर रही हूँ बेटा, तू सुन रहा है ना। मीरा कहाँ है बा। अरे वही तो मैं तुझे पूछ रही हूँ, मीरा कहाँ है। बा ढूंढो मीरा को, बा मीरा कहाँ है। तू उठ, अच्छा अच्छा उठ, पहले उठ उठ, बाथरूम में जा, हाथ मुंह धो, तब तक मैं देखती हूँ शायद वो दूसरे कमरे में होगी। जा बेटा जा, ढूंढो उसको। मीरा संभालो अपने आप को। भाभी कुछ तो बोली, क्या हुआ है, मीरा की हालत कैसे हुई। वो मीरा के मीरा मीरा गोपी, क्या हुआ मेरी मीरा को। एम जी वो गोपी तुम बताओगे कुछ। मीरा की ये दुर्दशा किसने की। मैं मीरा को कमरे में छोड़कर आती हूँ। डैड, कोकिला बेबान जी, आपके दुश्मनी की वजह से और क्या क्या झेलना पड़ेगा मेरी बेटी और उसकी धिक्रियों को। क्या कह रही हैं आप, ये क्या बकवास कर रही हैं आप।
करो शिव भगवान। कोकिला मॉम, शिव भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ? कोकिला कोकिला शांत कीजिए। कैसे शांत हो जाऊं मोटा भाभी, कैसे? इतना बड़ा हादसा मेरे पोते मीरा के साथ और मैं शांत हूं? प्लीज रोना मत कीजिए। अरे मीरा, ये सब कुछ प्लीज आप शांत कीजिए। जिसने हमारे परिवार के साथ ये खिलवाड़ किया है ना, उस सूर्यवंशी परिवार को जला के रख दूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसे। जल गई आंखें, इतने आंसू बहुत है नौटंकी करने के लिए, बाकी तो अपने आप आ जाएंगे। अरे भाई, जवान बहू घर से गायब हुई है, रोना तो पड़ेगा ही। बा कहाँ हो आप? बेटा बेटा, मेरे पूरा घर छान वाला, मेरा मुंह कहीं नजर नहीं आ रही है। हे भगवान, मेरा मुंह तो कहाँ है? धर्म बेटा, कुछ तो बता, कुछ तो बोल के क्या हुआ? भगवान, हे अपने बाप, मेरा वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी? पाजी, पाजी आप ठीक तो है ना? और ये सब घर की हालत कैसे हुई? ये प्रभु, इन्हें क्या हुआ है? पाजी, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता विद्या बहू, लेकिन इतना जरूर पता है कि तेरी बहन, जिस पर मैं पूरा घर छोड़ के गई थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। दी घर पे नहीं है क्या? अरे वो भी नहीं है, और तुम्हारी पगली नानी भी घर में नहीं है। मैं पूरा घर उनको सौंप के गई थी, एक घर खुला छोड़ के पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। मैं मोदी मैशन में कॉल करती हूँ, शायद वहाँ गए हो। नहीं नहीं, रुक 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 बेटा, पहले यहाँ उन्हें घर में ढूंढते हैं। अगर वो लोग वहाँ नहीं होंगे तो मोदी परिवार टेंशन में आ जाएगी। अब कुछ भी करके मीरा को घर वापस लाना होगा। हाँ बेटा, हाँ। मैं ठीक हूँ, कॉल करती हूँ। फोन नहीं लग रहे हैं। ये ले बेटा, नींबू पानी पी, थोड़ा ठीक लगेगा। हे अंबे माँ, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। अब आधी रात को कहाँ ढूंढेंगे उसे? हम पुलिस को फोन करें कि मीरा वो गायब हो गई है? ये अम्बे माँ, मगज काम नहीं कर तू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक तरफ मेरे बच्चे की ये हालत है और दूसरी तरफ मेरी बहू मिल नहीं रही है। ये अम्बे माँ, पता नहीं मेरी मीरा वो कहाँ होगी। भगवान के लिए संभालो अपने आप को। और हमारे मीरा, माँ जी, माँ जी प्लीज अपने आप को संभालिए। माँ जी, अगर आप इस तरह से टूट जाएंगी तो हमें कौन संभालेगा? गोपी, मुझे ये बताओ, मीरा कैसी दुर्दशा कैसे हुई? कहाँ थी, तुम्हें कैसे मिली, किससे किया ये सब कुछ, मुझे उत्तर दो।
मैं तो उसे उसके ससुराल से लेकर आई हूँ। तुम तो समर को ढूंढने गई थी, फिर उसके ससुराल कैसे पहुंची? वो गौरा का फोन आया था मुझे। आज जो मैं तेरी बेटी के साथ करने वाली हूँ, उसके बाद तुझे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मीरा, जिसने रक्षा बनकर मीरा की रक्षा की, आज उसी ने उसकी इज्जत के साथ इसका मतलब धर्म। उसकी इतनी ही तो उसने मेरी मीरा के साथ उसे छोड़ूंगा। नहीं है जी, रुक जाइए, अभी ये सब कुछ मत कीजिए। उस धर्म ने जो ओछी हरकत करने की कोशिश की है मीरा के साथ, उसकी सजा उसे हम देकर रहेंगे, पर अभी नहीं। इस वक्त मीरा को हमारी जरूरत है, और अहम जी, मैं सही वक्त रहते मीरा के पास पहुंच गई थी। मेरा यकीन कीजिए, हमारी मीरा के साथ कुछ नहीं हुआ। गोपी, वो तुम भले ही समय पर पहुंच गई और तुमने हमारी मीरा को बचा लिया, लेकिन मेरी पोती के साथ ऐसा हुआ, उसकी जिंदगी में ऐसा समय क्यों आया? ये सब हमारे परिवार के साथ क्यों हो रहा है? माँ जी, रुक जाइए माँ जी। माँ जी, माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी कोकिला, माँ जी दरवाजा खोलिए ना। कोकिला बेवा जी, दरवाजा खोलो। कोकिला, मारी बेन आऊ ना कर, दरवाजा खोल। माँ जी, माँ जी प्लीज दरवाजा खोलिए। आप लोग एक काम कीजिए, अभी इन्हें अकेला रहने दीजिए, सुबह तक ना खुद ही लाइन पे आ जाएंगी, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, तो आप सब लोग जाकर सो जाइए, और हम लोगों को भी जाने दीजिए, वैसे भी आज तो हम लोगों की सुहाग। चुप 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 हो जाओ। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बची है ना, तो अपना ये मुंह बंद करो। एक बात याद रखना तुम दोनों, तुम्हारी इस शादी को हम कभी स्वीकृति नहीं देंगे, समझ गई तुम? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।